डीजीपी ने तमाम जिलों में गठित क्राइम ब्रांच और स्पेशल टीम को भंग करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर ये टीम मौके पर दिखी तो एसपी पर कार्रवाई होगी। सेल गठित कर काम करने पर डीजीपी ने नाराजगी जाहिर की थी। अब इस मामले में रायपुर एसपी आरिफ शेख का कहना है कि क्राइम ब्रांच या कोई भी स्पेशल टीम अब नहीं चलेगा, सिर्फ साइबर सेल का काम करेगा। साइबर सेल का उपयोग टेक्निकल गाइडेंस, कॉल डिटेल आदि के लिए उपयोग किया जाएगा। पहले कोई भी गंभीर अपराध के लिए क्राइम ब्रांच का उपयोग किया जा रहा था, जो आदेश मिला है अब उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने लेटर जारी कर सभी जिलों के एसपी को कहा था कि क्राइम ब्रांच के तर्ज पर साइबर सेल का गठन कर काम किया जा रहा है, जबकि क्राइम ब्रांच और विशेष अनुसंधान सेल को भंग कर दिया गया है। डीजीपी ने सभी एसपी को तत्काल इसे समाप्त करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं करने पर एसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। किसी भी स्पेशल संदिग्ध केस में क्राइम ब्रांच का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब ऐसे केसों में पुलिस की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत।